नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी होम रेमेडीज यानी कि 8 ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश की परेशानी है और अगर आप इनमें से कोई एक होम रेमेडी आजमाते हो तो गले में जो खराश है उससे राहत मिल सकती है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट कॉमन या फिर आप एक तरह से कह सकते हो कि मोस्ट इजीएस्ट होम रेमेडी है तो वो है सोल्ट वाटर गार्गल यानी कि नमक वाले पानी से गरारे करना। देखिए, जब भी आप नमक वाले पानी से गरारे करते हो तो ऐसे में जो भी इन्फ्लामेशन है यानी कि गले में जो सूजन है वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ गले में जो बैक्टीरिया है, जो इरिटेंट्स मौजूद हैं वो फ्लश्ड आउट हो जाएगा, जिससे गले में जो खराश हो रही है उससे आपको राहत मिलती है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा या फिर एक चम्मच आपको सोल्ट मिलाना है, नमक मिलाना है, फिर उस पानी से आपको गरारे करने हैं। सिंगल टाइम जब भी आप गार्गल करते हो तो 15 से 30 सेकंड तक आपको गार्गल करने हैं, जिससे गले में जो खराश है उससे राहत मिल सकती है। दूसरी होम रेमेडी है जिंजर टी। जिंजर टी का मतलब है कि अदरक वाली चाय। अदरक में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी और एंटी माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया के सामने लड़ने के लिए जो गुणधर्म चाहिए वो आपको मिल जाता है। गले में खराश की परेशानी में जब भी आप अदरक वाली चाय पीते हो तो गले में एक सूदिंग इफेक्ट आती है, इरिटेशन कम होता है, साथ ही साथ गले में जो सूजन है वो भी कम होती है। देखिए, यहाँ पर अदरक वाली चाय से मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दूध, चीनी और चाय पत्ती वाली चाय बनाए फिर उसमें अदरक के टुकड़े डाल दे और अदरक वाली चाय तैयार। यहाँ पर आपको प्योर अदरक वाली चाय बनानी है। बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। जो फ्रेश अदरक है उसके 4-5 टुकड़े लेने हैं, फिर उसे पानी में डालने हैं, एक गिलास पानी पतीले में लेना है, फिर उसमें आपको अदरक के टुकड़े डालने हैं, फिर उसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है, फिर उसे छान देना है। जो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, उसे आप पीना है, उसे हम कहेंगे अदरक वाली चाय। ऐसे में जब भी गले में खराश हो, इस प्रकार की अदरक वाली चाय पीने से आपको गले में खराश राहत मिल सकती है। नंबर 3 है एप्पल सीडर विनेगर यानी कि ACV, जिसमें आपको एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म मिल जाता है। साथ ही साथ जब भी आप एप्पल सीडर विनेगर को पानी में मिलाकर गरारे करते हो तो ऐसे में गले का जो pH लेवल है वो भी अच्छे से मेंटेन होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर कम हो जाएगा, जिससे गले में खराश से आपको राहत मिलती है। करना यह है कि एक गिलास गुनगुने पानी में आपको 15 से 20 ml यानी कि 1 tablespoonful जो चम्मच होती है वो आपको एप्पल सीडर विनेगर की डाल देनी, उसे अच्छे से मिक्स करके गरारे करना है, तो उससे क्या होगा कि सोर थ्रोट की परेशानी कम हो सकती है। चौथी होम रेमेडी है लिकोराइज रूट। लिकोराइज रूट में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी और एंटी वायरल यानी कि वायरल इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए जो भी गुणधर्म होने चाहिए वो आपको लिकोराइज रूट में मिल जाते हैं। लिकोराइज रूट को 5 से 10 मिनट तक पानी में उबालना है, फिर उस सॉल्यूशन को मतलब के पानी को छान लेना है। जो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ लिक्विड है, उसे आप पी सकते हो, उससे क्या होगा सोर थ्रोट की परेशानी कम हो सकती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है यानी कि हाइपरटेंशन की समस्या है, उन्हें लिकोराइज रूट का सेवन नहीं करना चाहिए। 5वीं होम रेमेडी है स्टीम इन्हेलेशन। स्टीम इन्हेलेशन जो होम रेमेडी है वो भी सिंपल है, वो मोस्ट कॉमन यूज होती है, जिससे क्या होगा कि एक आपको गले में सूदिंग इफेक्ट आएगी यानी कि अच्छा लगेगा, गले में राहत मिलेगी, जो इरिटेशन है गले में, जो जलन है वो भी कम होगी, साथ ही साथ जो थ्रोट पैसेज है हमारा वो भी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, कई लोग आपको बोलेंगे कि स्टीम इन्हेलेशन के दौरान आपको बाहर से जो कुछ भी एसेंशियल ऑयल आता है, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल आता है, कैम्फर आता है, मेंथोल ऑयल आता है, तो उसे डालना है। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि आपको अच्छे से जो साफ पानी होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी ही स्टीम इन्हेलेशन लेनी है, प्योर स्टीम लेनी है। ऐसी कोई भी बाजार से ली हुई चीज़, कोई भी एसेंशियल ऑयल उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। करना ये, एक बड़े से पतीले में आपको पानी लेना है, फिर तब तक उबालना है जब तक भाप ना बन जाए, फिर आपको एक बड़ा सा टॉवल लेना है या फिर आप चादर ले सकते हो, उससे आपको अपने सिर को कवर करना है, साथ ही साथ पतीले को कवर करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको सिंगल टाइम में 15 से 30 सेकंड तक ऐसा करना है, ऐसा तब तक करना है जब तक पानी में से भाप बाहर आ रही है, तो ऐसा करने से गले में जो खराश है उससे राहत मिल सकती है। 6थी होम रेमेडी है वार्म वाटर विथ हनी। देखिए, शहद की बात करें तो शहद में एंटी बैक्टीरियल गुणधर्म होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणधर्म होते हैं, साथ ही साथ जब भी आप वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में, एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीते हो तो ऐसे में गले में सूदिंग इफेक्ट आती है, जिससे क्या होगा कि जो सोर थ्रोट की परेशानी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। नंबर 7 है कैमोमिल टी।
कैमोमिल टी में आपको एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म मिल जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी, साथ ही साथ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। जब भी गले में खराश की परेशानी होती है, आप कैमोमिल टी पीते हो, कैमोमिल ग्रीन टी पीते हो, तो ऐसे में गले में सूजन भी कम होती है, साथ ही साथ इरिटेशन कम होगा, सूदिंग इफेक्ट आएगी। देखिए मार्केट में आपको रेडी टू ड्रिंक मतलब कि रेडी टू मेक वाली जो ग्रीन टी होती है, कैमोमिल ग्रीन टी मिल जाती है आपके आसपास। अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो यहाँ पर राइट साइड पर जो बैक का आइकॉन है वहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को टेक कर दिया है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से जब भी गले में खराश की परेशानी होती है, कैमोमिल टी आप पीते हो, तो ऐसे में आपको गले में खराश की प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है। नंबर 8 है वार्म वेजिटेबल सूप। देखिए जब भी गले में खराश की परेशानी होती है, ऐसे में आप थोड़ा बहुत गर्म वेजिटेबल सूप पीते हो, तो एक तो क्या होगा कि गले में सूथिंग इफेक्ट आएगी, राहत मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, साथ ही साथ जो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्व की जरूरत है, वो भी पूरी होगी, जिससे क्या होगा कि इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी जब इंक्रीज होती है तो फिर इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऐसे में वेजिटेबल सूप की जगह पर आप चिकन सूप भी पी सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो चिकन सूप बना हुआ है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, अंडर कुक नहीं है और मसाले कम से कम है, इस बात का ध्यान रखना है। यह थी जानकारी 8 ऐसी होम रेमेडीज के बारे में कि जब भी आपको सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश की परेशानी हो तो इनमें से कोई एक होम रेमेडी आप एट अ टाइम आजमा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर होम रेमेडी आजमाने के बाद, एक या दो दिन आजमाने के बाद अगर ठीक नहीं होता है, गले में खराश बढ़ती जा रही है, बलगम बन रहा है, गले में दर्द, गले में जलन की परेशानी है, बुखार आ रहा है, जी मचल रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, थकान कमजोरी ऐसा महसूस हो रहा है, तो सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में बिना देरी किए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।